स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद हैशटैग में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फिर से हम डिस्कस करने, देखिए ढेर सारे लोगों का कमेंट, लगभग हर दिन कम से कम 1000 से 1500 कमेंट आ रहा है पूरे सब लोगों का, और एटलीस्ट 100 से 150 आईडियो उनके बाद किए हुए आईडियो आ रहे हैं मेरे उस पर। तो कई सारे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सब सर एक वीडियो के थ्रू सबको डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए ताकि सब लोग वहाँ पर आएँ। और 20 तारीख को, आज 18 है, 20 तारीख को बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, शांतिपुर धरना प्रदर्शन होगा। आपको ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगी मैं दे दूंगा कहाँ पे ये करना है। साथ ही साथ एक चीज़ वो करना तो फिलहाल आपको उदयगंज है, जहाँ आप लोग पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था वहाँ जो सब लोग गए थे। दो चीज़ और करना है, 2 से 3 चीज़ें और करना है। एक तो FB पे आज 5 बजे लाइव, 18 तारीख को, जो 19 को देखेंगे उनके लिए वीडियो नहीं होगा, मतलब ये मतलब नहीं करना, या एटलीस्ट आप भी कर सकते हो। FB पर 5 बजे योगी आदित्यनाथ जी, जैसा कि न्यूज में दिया जा रहा, भी मैं दिखा दूंगा, लाइव आने वाले हैं, तो उस पर आपका सबसे ज़्यादा कमेंट आना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ अभी नियर अबाउट हज़ार कमेंट पहुँच चुका है स्टूडेंट्स का, और इसमें डिस्कस करेंगे 4000 वैकेंसी डिटेल्स का। सुपर टेट क्लास, फ्री क्लासेस शुरू की जाएगी, वीडियो एग्जाम DB डेट डिक्लेयर जो होने वाला है उसके बारे में डिक्लेरेशन देंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो आसानी से सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैंने इसमें बता दिया था, जो धरना प्रदर्शन है वो उदयगंज वाले या जो मेन डिपार्टमेंट का ऑफिस है यहाँ पे करना है। 3 चीज़ें और करनी है, किसको किसको ज्ञापन कर देना है, मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग को देना है, महेंद्र सिंह जी को देना है, इनका लखनऊ में ही आवास है, वो डिटेल आपको ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट की जा चुकी है, जिनको नहीं पता उनको मैं फिर से भेज दूंगा उसी में। और साथ ही जनता दरबार में भी आपको जाना है, 5 कालिदास मार्ग पे जो CMG का आवास है वहाँ पे 8 से 11 के बीच में जनता दरबार लगता है, तो वहाँ जो रहेंगे वो आपका ज्ञापन मतलब ले लेंगे। और वहाँ पे क्योंकि इन तीनों जगह पे आपके देने पे आपकी चयन प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि हर दिन स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखिए बिना इन सब चीज़ों के किए, क्योंकि आईडियो आपके पास में अगर पहुँची, आप हज़ारों लोगों के पास में पहुँच चुकी है, वो इस तरीके से घुमा रहे हैं आपकी फाइल को ताकि मतलब टाइम इस पे लगे, ठीक है, तो आपको ये सब काम जरूर करना होगा। चलिए 4000 वैकेंसी के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो देखिए यूपी में एडेड स्कूलों में जल्द होगी 4000 शिक्षकों की भर्ती, ठीक है, तो ये आपके एडेड स्कूल में होगी, जूनियर का जो जूनियर के लेवल की है, आगे डिटेल्स इसमें देख लेते हैं। अब ये होगी प्रक्रिया, अभी राज्य स्तर पर भर्ती होगी, भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी, और जिसका उत्तीर्णांक भी तय होगा, उत्तीर्णांक का मतलब हो गया जैसे 69000 वाली वैकेंसी आपकी फंसी रह गई सिर्फ इसकी वजह से कि इसका पहले से उत्तीर्णांक डिसाइड नहीं था, ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ होगा। BEd BTC डिग्री जिनके पास में है वो सब दे सकते हैं, जिन्होंने अगर जूनियर वाला है तो जूनियर का टेट में 2 एग्जाम हुआ होगा, एक प्राइमरी एक जूनियर का, तो जूनियर का जो दिया है उन्होंने, उन लोग अप्लीकेबल होंगे। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, ठीक है, अनिवार्य होना चाहिए। आयु सीमा जो है न्यूनतम आपकी 21 है, अधिकतम आपके 40 वर्ष है, और जो एक्स्ट्रा डिटेल होगी वो मैं डिस्कस करूंगा। एक क्लिक में दिखा दूं आपको कि कहाँ पे लोग पोस्ट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, आज शाम 5 बजे अमर उजाला, मतलब FB पे लाइव करेंगे अमर उजाला की तरफ से ये। तो देखिए इसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट पोस्ट कर रहे हैं, लगातार बहुत सारे बच्चों का है, तो सर नमस्कार सर, मैं आपको 3200 वगैरह वगैरह ढेर सारी चीज़ें हैं, कितने लोग का मैं दिखाऊं, तो लेकिन आपको ये काम करना होगा। साथ ही साथ ट्विटर पे जाके इन सब लोगों के, जितने लोग भी भाई वीडियो देख रहे हो, वीडियो को शेयर कर देना खूब, ताकि सब लोगों को ये चीज़ें पता चल पाए। और एक समझ लो कि संतोषजनक नंबर में आप सबको आना है, क्योंकि पिछले वाले में 50 से 100 लोग ही आए थे, ज़्यादा लोग नहीं आते, और वो केवल पूछ के चले गए थे, ठीक है, तो आपको शांतिपूर्ण धरना देना है, थोड़ी आवाज़ सुनाई देनी है। साथ ही साथ इन तीनों जगह पे जो मैंने पहले बताया, मुख्य अभियंता महेंद्र सिंह, सिंचाई विभाग मंत्री, ठीक है, साथ ही साथ जनता दरबार में ज्ञापन सौंपना है। तो ये थी पूरी डिटेल्स, अब भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। भाई देखो मेरे से जो भी हो पा रहा है, मैं सारे बच्चों को इनकरेज करके आप लोगों की तरफ से वीडियो बना बना के, मैं खुद चाहता हूँ कि वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं लगातार मतलब 50 से ज़्यादा इस पर वीडियो बना चुका हूँ, हर चीज़ की डिटेल निकाल के, कई बार लखनऊ तक से भी लाइव हुआ हूँ सबके लिए। तो देखिए वीडियो पे लाइक तो जरूर कर दिया करिए, और शेयर जरूर के बिना बोले, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। देखिए एक चीज़ इंफॉर्मेशन और देने की, सुपर टेट का फ्री क्लासेस हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कुछ ही दिनों बाद, और साथ ही साथ RRB NTPC के लेखपाल की, तो जो भाई बहन अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो इसको ये अनाउंसमेंट आप सबको बता दीजिएगा मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। VDO DV के लिए लगातार बच्चों का भी आ रहा है,
तो वीडियो डीबी के लिए जैसा कि मैंने ऑफिशियली बात किया है वहाँ पे ऑफिस में यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन में, तो उन्होंने कहा कि सर वेट करिए, आपके जो एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है उसी में ये मेंशन किया जाएगा वीडियो की डीबी कब होगी। लेकिन ढेर सारे स्टूडेंट ने धरना किया है और साथ ही साथ इस शाम को जो 5 बजे लाइव होने वाला, लगातार स्टूडेंट का सब लोगों का मैसेज जा रहा है, लगातार मैसेज पहुँच रहे हैं, तो जल्दी ही इन सब चीज़ों पर सुनवाई की होगी, कोई ऑफिशियली सूचना आएगी तो मैं जल्दी आपको बता दूंगा। थैंक यू।